जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नगर निगम के द्वारा वाहनों की पार्किंग के लिए गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी लोग अपने वाहनों को सड़कों पर ही खड़ा कर रहे हैं, जबकि लगातार ITMS के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि अपने वाहन को मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ा करें, नहीं तो वाहनों का चालान किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस लगातार सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों का चालान कर रही है और कुछ वाहनों को सीज भी कर रही है, जिसके संबंध में CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण गोलघर में हुआ है, ITMS के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वहीं दुकानदारों को बताया जाता है कि उनके यहां जो भी ग्राहक आते हैं जिनकी गाड़ियां रोड पर खड़ी होती हैं उसको वहां पर ना खड़ा करें और उनकी गाड़ियों को मल्टी लेवल पार्किंग में निर्धारित शुल्क जमा करके वहीं पार्क करवाएं। आगे उन्होंने बताया कि आम नागरिक और दुकानदारों को समझाए जाने पर भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है जो काली मंदिर से होकर कचहरी चौराहे तक 2 से 4 बजे के बीच चलाया गया। वहीं अभियान के दौरान 192 वाहनों को चालान MB एक्ट के तहत किया गया और 54 वाहनों को लाकर यार्ड में खड़ा करवाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान अभी आगे भी चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, कैपेसिटी 500 के लगभग में कार और 550 के लगभग मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा हो सकता है। इस समय कुछ गाड़ियाँ बढ़ी हैं? हाँ, इस समय गाड़ियाँ बढ़ी हैं, जनवरी से बढ़ी हैं। कितनी गाड़ियों की संख्या हो गई है? गाड़ियों की लगभग 200 रोज का गाड़ी मोटरसाइकिल आ रही है और कार आ रहा है 120-110 के हिसाब में। सर मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ उसके बाद भी सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सर, ऐसा? मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण जो है गोलघर में हुआ है और ITMS के माध्यम से लगातार इस बात का प्रसारण किया जा रहा है कि सभी व्यापारी बंधु दुकानदार जितने गोलघर के हैं उनके यहाँ जो भी ग्राहक आते हैं या उनकी स्वयं की जो गाड़ियाँ दुकान के बाहर रोड पर खड़ी होती हैं अनाधिकृत रूप से, उनको वहाँ पर न खड़ी करें और मल्टी लेवल पार्किंग में ही उचित शुल्क जमा करके गाड़ियों की पार्किंग करें। किंतु इसके बावजूद भी आम जनता द्वारा भी और दुकानदारों द्वारा भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे बाध्य होकर ये अभियान जो है काली मंदिर से लेकर और कचहरी तक चौराहे तक 2 से 4 बजे के मध्य जो है चलाया गया, जिसके तहत जो है 192 वाहनों का चालान MB एक्ट के अंतर्गत किया गया तथा कुल 54 वाहनों को लाकर